हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान जिसको भी जल्दी लौट जाना है वो पुचंकी आ जाए, जिसको थोड़ा देर से जाना है वो पुचंकी ना आए। हेलो गाइस, दिस इज अनप्रो तलहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें भी हमने कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है किल्स किए और इस गेम में आपको लास्ट तक देखने में बहुत कुछ मज़ा आएगा। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई टिप एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ और आज के एक मैच में भी मैं आपके साथ कुछ टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बता दूँ, इस गेम में मैं एक टिकटॉकर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी गुड न्यूज़ है मेरे पास, जो कि बेचारे हमारे टिकटॉकर्स आजकल बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इनके मुँह उतरे हुए हैं। उसकी वजह कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में इनका टिकटॉक जो है पीटीए ने बैन कर दिया है। तो भाई घबराने की बात नहीं है, जैसे कि खान साहब कहते हैं कि घबराना बिल्कुल नहीं है। मेरे पास का पासवर्ड है, जो पासवर्ड आप यूज़ करके आप अपने टिकटॉक को ऑन कर सकते हैं विदाउट एनी वीपीएन, आप उसको जो है अपने मोबाइल में चला सकते हैं। तो गेम की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा गेम का इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको कि मैं अपने वही बड्डी के साथ खेल रहा था जो कि मेरे लास्ट बड्डी था मेरे साथ, तो मैं उसी के साथ दोबारा से ये गेम प्ले मैंने रिकॉर्ड किया। गेम प्ले में रिकॉर्ड करने से पहले हमने इस दफ़ा कुछ न्यू चेंजिंग की, हमने बोला कि हम पुचंकी उतरेंगे बट पुचंकी में हमें या किसी को बुलाना चाहिए ताकि थोड़ा मज़ा आए, वहाँ पर कुछ लोग आए हमें मारने मूने के लिए या हम उन्हें पहले। तो उसके लिए मैंने एक चैलेंज किया और उस चैलेंज के लिए सबसे पहले मैंने जो है वीडियो में आप सुने कि क्या चैलेंज किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान जिसको भी जल्दी लौट जाना है वो पुचंकी आ जाए, जिसको थोड़ा देर से जाना है वो पुचंकी ना आए। मेरा नाम अंतर बता दें, मेरा नाम अनप्रो तलहा है, अनप्रो तलहा, प्रो नहीं हूँ अनप्रो अंत्रो। मेरा नाम चिकारा 102 और शौकत शौकी जावेद कुर्द मीरेन्ने। पुचंकी का चैलेंज करके कोई दो लोग हमारे को ये बोलने लगे कि भाई हम तो पुचंकी आ रहे हैं, पर पता नहीं वो आए थे नहीं आए थे इससे हमें बिल्कुल भी नहीं पता, बट हमें जो पुचंकी में मिला हम उसे पेल पे चले गए। पुचंकी में हमने नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद हमने सोचा कि भाई कुछ लूट वूट होनी चाहिए। अभी तो हम उतर ही रहे थे कि उतरने के साथ साथ मैं यहाँ पे सोच ही रहा था कि यार यहाँ पे उतरने के साथ साथ अगर मुझे मेरी रानी मिल जाए तो क्या ही बात है, बट रानी आपको पता है इतनी आसानी से नहीं मिलती और रानी का आपको पता है कि मैं किसको बोलता हूँ M416 को। खैर लूट पुट होती रही, लूट पुट हम करते रहेंगे, यहाँ पे हमें कुछ मासूम लोग भी मिलेंगे जिनको हम मारना मूना शुरू कर देंगे। अच्छा अनाउंसमेंट कुछ यूँ है, इस गेम के हवाले से आपको मैं टिप एंड ट्रिक्स तो शेयर करता रहूँगा, अनाउंसमेंट भी थी इसमें एक ये कि टिकटॉकर्स के लिए कि भाई टिकटॉक जो लोग यूज़ करते हैं या आपके कोई दोस्त जो टिकटॉक यूज़ करते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि यार उनका टिकटॉक कभी नहीं चलेगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप टिकटॉक चला सकते हैं और टिकटॉक चलाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक थोड़ी सी आपको जो है ना कोशिश करनी होगी, वो कोशिश ये कि इस वीडियो को देखना होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक पासवर्ड रखा है जो कि टिकटॉक का पासवर्ड है, जिसको आप विदाउट एनी VPN आप उसको जो है पासवर्ड डालेंगे और आपका टिकटॉक धन 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 चलेगा और आप वो सारे काम कर सकते हैं जो खुसरे करते थे और वो आपने करना शुरू कर दिए थे, तो टिकटॉकर्स वो काम उसमें कर सकते हैं। अच्छा भाई हमने यहाँ पे एक मासूम इंसान को मारा और मारने के बाद बड़ी धमाधम फायरिंग की आवाज़ें तो कुछ आ ही रही थी। फायरिंग की आवाज़ें सुन के मैंने अपने बड़ी को बोला भाई पीछे आ जाओ, इतना आगे मत जाया करो। होता है अमूमन यही है कि आपका बड़ी ही आपको कभी कभी गड़वा देता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ जो भी मेरे साथ खेल रहा हो वो मेरे साथ साथ ही रहे। उसकी वजह यह होती है कि जब आपका बड़ी नॉक हो जाए तो समझ लें कि आप खतरे में हो, उसकी वजह ये कि मजबूरी बन जाती है आपकी कि आप उसको रिवाइव करेंगे या रिवाइव नहीं भी करेंगे तो आपको वहाँ पर जाना है रश करने, और मैं रश का कायल नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप पहले सिचुएशन को समझें और सिचुएशन को समझने के बाद ऐसे मार दें। ये नॉक हुआ बंदा, अच्छा ये बंदा रियल था बट इसको मैंने जो है पूरा इसलिए किल नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि आगे और बढ़ी, ये मासूम बंदा था इसको हमने लपेट दिया, इसने हमें अच्छी खासी लूट करवा दी इस मुसीबत के वक्त में। स्कारल मैंने ली और हमारे बड़ी ने ऐसे AKM उठाई जैसे वाकई ही मैं सबसे बड़ा पीरो तो यही है। खैर मैंने इसको कहा कि भाई मुझे कुछ AKM की एमओ दे दो, उसकी वजह यह है कि AKM का डैमेज ठीक ठाक होता है
और आप क्लोज रेंज में जब भी फाइट ले रहे हो तो एकेएम को ही हाथ में रखें, इसका अच्छा खासा डैमेज है और इसके आगे भी कोई नहीं इतनी आसानी से टिक पाता। जिस बंदे को हमने यहाँ नॉक किया था वो तो हमें यहाँ दिखा नहीं, वो आगे पीछे कहीं से रिवाइव हो गया था, क्योंकि मेरी किल अभी तक बड़ी नहीं थी, तो इसका अंदाजा मतलब यही हुआ कि वो साहब कहीं से रिवाइव हो चुके हैं। खैर यकीनन ये वही दो लोग थे जिन्होंने हमें जहाज़ में चैलेंज किया था, और अब ये जो है सोच रहे थे कि ये हमें किस तरह पहने। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहता हूँ, इसमें भी यही कहूँगा कि देखें जब भी आप ऐसी सिचुएशन में होया करें कि जब आपको कुछ नहीं पता हो कि कौन कहाँ है, तो थोड़ा सा रुक जाएं, होल्ड करें। थोड़ा सा होल्ड करने से होता ये है कि आपके सामने पोजीशन क्लियर होती है। ये भाई साहब मुझे यहाँ से भागते हुए देखे, मैं चाहता इनको यहाँ फायर दे सकता था बट मैंने इनको ओपन में जाने दिया और यहाँ से इनको फायर देखे, ये इनको मैंने पूरा नॉक कर दिया। अच्छा मैंने इनको अपनी बड़ी को कहा कि भाई ठीक है इसको पूरा कर दो ताकि इसका ब्रोस बना के तुम खा लो। मैं और इधर देखने लगा, मुझे एक्सपेक्टेड था कि बंदा जो है अब इधर ही कहीं आएगा क्योंकि हमने इसको अपनी लोकेशन दी हुई है। मैं इसका वेट कर रहा था और ये भाई साहब जज्बाती होके आए आए और ये यहाँ पे ये चले थे। तो ये इस तरह दोनों भाई जा चुके थे लॉबी में। भाई जान बहुत बहुत माजरत कि आपको लॉबी जाना पड़ा, मगर आपने चैलेंज भी ऐसे ही दिया था जैसे आप हमें लॉबी पहुँचाएंगे, मगर ऐसा हर दफ़ा नहीं हो पाता। यहाँ पर लूट की हमने, लूट करने के बाद पुचंकी में मुझे ऐसा कुछ वाइब्स लग रही थी कि पुचंकी में यकीनन कोई और भी हो सकता है, क्योंकि पुचंकी ऐसा होता है कि बाजों का लोग कम आते हैं। और ये भाई साहब मुझे लग रहा था कि रियल बंदा है, शायद ये रियल ही थे क्योंकि ये जो है मासूम नहीं टाइप का लग रहे थे। खैर इनके पास से लूट से अंदाजा हो रहा है कि ये रियल ही थे। और इनके पास जो है कार 98 आपको जरूर रखनी चाहिए जब कि आप ड्यू में खेलने हो या सोलो खेलने हो या आप कोशिश करते हो कि मैक्सिमम क्लोज रेंज में फाइट ना लेते हो, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप कोई ना कोई एक गन स्नाइपर ज़रूर रखें। प्राइमरी गन आपकी AR होनी चाहिए और सेकेंडरी गन आपके पास स्नाइपर होनी चाहिए। ये तो खैर मासूम थे, इनको हमारे बड़ी ने निपटा दिया था। यहाँ से जाने के लिए हमने कुछ सोचा कि यहाँ से हम निकलते हैं, और यहाँ से निकलने के लिए क्या किया जाए, हमने बोला भाई गाड़ी ढूंढते हैं और गाड़ी में ही यहाँ से जाएंगे। खैर लूट ऑलमोस्ट मेरी भी हो चुकी थी और मेरे बड़ी की भी हो चुकी थी, बाकी लूट हम जो है इधर उधर से लोगों को पेल के करेंगे। तो भाई अच्छा आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, सपोर्ट कर दिया करें मुझे। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसी कॉन्टेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, क्योंकि फ्यूचर में मैंने इसके लिए कुछ और डिजाइन किया हुआ है कि मैं इसमें आगे आप लोगों के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आऊँगा जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ। इसलिए एटलीस्ट भाई के इस चैनल को लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट्स में भाई कोई अगर सजेशंस हो तो अपने कमेंट्स में ज़रूर कोई सजेशन मुझे देना ताकि मैं उसके हवाले से भी उस वीडियो उसको कवर कर सकूं। यहाँ से जाने के बाद हमने स्टेशन पे सोचा कि भाई मेरा स्टेशन पे पॉइंट आया हुआ है तो मैं इसको कुछ खोल के देखूँ, शायद कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, पर यहाँ पर एक मासूम फरिश्ता भी मिल जाएगा। मासूम फरिश्ता नहीं बोलना चाहिए बल्कि मासूम बंदा, मासूम बंदा हमें मिल जाता है और हम उस मासूम बंदे को मार देंगे यहाँ पे। लेवल थ्री वेस्ट के साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ एमोज मिली। इसके पास मैंने ढूंढने की कोशिश की क्या मिलता है, तो इसके पास मुझे मेरी रानी की ऑलमोस्ट तमाम अटैचमेंट्स मिल जाएंगी। अच्छा खैर ये हमने पहले मासूम बंदे को मारा, ये पीछे टक 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 कर रहा था, तो हमने इसको निपटाने के बाद हमने सोचा कि भाई यहाँ से जो है मैं अपनी गन में रानी में अटैचमेंट्स लगा लूं। अटैचमेंट्स इसलिए आपकी गन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे भाई कि अगर आप अटैचमेंट्स अपनी गन की लगाते हो तो अटैचमेंट से होता है ये कि आपका रिकॉइल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। मोस्टली लोगों को अटैचमेंट्स के हवाले से नहीं पता होता, अगर आपको अटैचमेंट्स के बारे में जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अटैचमेंट्स के हवाले से भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जिसमें क्या क्या अटैचमेंट्स बेस्ट होती हैं वो आप जान सकते हैं और उससे आपके एम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर नहीं भी हैं या आप प्रो प्लेयर नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से प्लेयर्स देखे हैं जो पीरो प्लेयर्स को आराम से लपेट देते हैं और वो कभी क्लेम नहीं करते कि वो पीरो हैं। तो भाई आप कभी भी प्रो बनने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि अनप्रो बनने में ज़्यादा फ़ायदा है। मर गए तो कोई बात नहीं और मार दिया तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप तो हैं अनप्रो। हम यहाँ पे लोगों को सर्च करने की कोशिश करते हैं। स्कूल में अमूमन लोग होते हैं बट यहाँ पे स्कूल में कोई भी नहीं था, ऐसे सन्नाटे हुए हुए थे जैसा लग रहा था जैसे लॉकडाउन हुआ हुआ है, बट यहाँ पे मुझे कोई मिला ही नहीं। हमने बोला भाई ढूंढते रहते हैं घूमते रहते हैं, और वैसे मेरा सबसे फेवरेट जो मशगला है पबजी के अंदर वो यही है कि मैं पेट्रोलिंग करता हूँ। पेट्रोलिंग से मुझे फ़ायदा ये होता है कि जब आप घूम रहे हों तो आपको लोग मिल जाते हैं खुद ही और आप अच्छा सा कवर लेके उनको फेल सकते हो।
और जो लोग गाड़ी में नहीं घूमते और इधर उधर भागते भूगते जा रहे होते हैं तो वो किसी का निशाना बन जाते हैं, या तो वो संभल ही नहीं पाते जब कोई अचानक से गाड़ी आके रुकती है, और 80% होता ही यही है। अब ये देखें इधर आपको इसकी बिल्कुल आपको एक मिसाल सामने देखने को मिलेगी, ये गाड़ी जा रही होगी और हम यहाँ पे इनको बॉट फायर करके बुलाएंगे, ये आएंगे इतने चौड़े में कि ये हम दोनों को जैसे मार ही देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पोजीशन क्लियर नहीं थी और इन्होंने आगे गाड़ी रोक दी और ये पीछे से मुझे जो है एक मासूम बंदा तंग करे जा रहा होता, बट मैं इसको मारने में प्रिपेयर नहीं करता, उसकी वजह ये होती है इसको अगर मैं मारूंगा तो मैं अपनी पोजीशन दे दूंगा। ये भाई साहब यहाँ घास में आके लेटे और घास में लेटने के साथ साथ ये गए, इतना क्लोज आ गए थे उसके बावजूद मुझे नहीं फेल पाए। खैर ये भाई साहब भी लॉबी चले गए अपने बड़े भाई के साथ और इन दोनों का बैड लक। तो इसमें मैं आपको यही चीज़ समझा रहा था कि होता ही यही है कि जब आप गाड़ी में घूम रहे हो और आपको कहीं से फायर की आवाज आए, चाहे वो बॉट ही क्यों ना हो, तो गाड़ी से तब तक ना उतरे जब तक आपके सामने पोजिशन क्लियर ना हो या आपको ये ना पता हो कि सामने एनिमीज हैं कितने। अमूमन लोग यही कर रहे होते हैं कि आवाज फायर की सुनते हैं और उसी स्पॉट पे आके गाड़ी रोक देते हैं, और जब कोई ना कोई सांप बना हुआ होता है वो आपको लपेट देता है। सांप आजकल बहुत बनने लगे हैं और इस गेम में भी हमें लास्ट में कुछ सांप मिलेंगे, मगर देखें वो सांपों की हम कैसी बांसुरी बजाएंगे। ड्रॉप मेरा फेवरेट होता है क्योंकि ड्रॉप में कुछ अच्छा सामान आता है। ड्रॉप में भाई मुझे मेरी फेवरेट चीज़ें मिल गई, AWM सब मिल गया और ये मैं नहीं छोड़ता किसी भी सूरत में। आप कभी भी अपने किसी नूब बड़ी के साथ खेलने हो तो उसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो आपको फुल सपोर्ट देता है, और अगर आप किसी प्रो प्लेयर के साथ खेलेंगे तो वो आपको कभी उस लेवल का सपोर्ट नहीं देगा भाइयों। उसकी वजह ही यही होती है कि वो सोच रहा होता है कि मैं मैक्सिमम किल करूं और मैं मैक्सिमम अपने आप को हाईलाइट कर सकूं, और वो आपको सपोर्ट नहीं दे पाता। ये खैर मासूम बंदा था, इसको भी हमने गाड़ी से कुचल दिया। अभी जो एक बंदे को मैं कुचलूंगा गाड़ी से वो बड़ा मज़ेदार होता है क्योंकि वो गाड़ी के पिछले टायर के अंदर आता है, और पिछले टायर का मैंने आपको बताया कि पिछले टायर के ऊपर कोई केस नहीं होता। ये भाई साहब ये गए, अच्छा खैर ये मुझे पता था इनका बड़ी भी यहीं कहीं आसपास होगा क्योंकि ये रियल थे तो इनको पूरा करना ज़रूरी था। हमने यहाँ गाड़ी रोकी कवर में रोकने के बाद इनको देखा मैंने और ये दिया एक शॉट, बट ये मिस हो गया था क्योंकि घूम रहे थे, और अब नहीं मिस होगा। और जब गए अब यहाँ के बाद, इसके बाद जो सीन आने वाला है उसमें मैंने अपने बड़ी का कैमरा व्यू लिया है। उसकी वजह यह है कि देखिए जब आप ऐसी सिचुएशन में हो जबकि आपको कोई बंदा दिख ही ना रहा हो और पता ही ना चल रहा हो कि वो बंदा किधर से, तो इधर एक स्नाइपर था जो काफ़ी देर से हमें बड़ा तंग कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बड़ी को चारा बनाऊं। चारा बनाने का मकसद ये होता है मोस्टली कि आप अपने बड़ी को थोड़ा सा फ्रंट लाइन पर लाते हैं तो आप उसको देख लेते हैं कि वो किस तरफ से फायर कर रहा है जब आपको नहीं दिख रहा, और मुझे वो नहीं दिख रहा था। मैं उसको ऊपर से देख रहा था बट वो मुझे नहीं दिख रहा था, और फिर मेरे बड़ी के ऊपर उसने खूब ठीक ठाक नेट वगैरह किए, मगर ये भी अच्छा खासा जो है ना अपने आप को सर्वाइव करना इसको आ गया है, तो ये आराम से इजी होकर लेट गया। इसने हील की, हील करने के बाद इतना से इसने यहाँ पे लेटा रहा, और जब तक इसको भी पोजीशन क्लियर नहीं हुई इसने इस तरफ से अपने आप को नहीं हटाया और इसके पीछे कवर में ही रहा। अभी ये बंदा मुझे इसको दिखना शुरू हो जाएगा, इसके आप कैमरा व्यू में देखेंगे कि ये बंदा इसको दिखना शुरू होगा तो ये उस पर फायर करेगा, बट ये उसको नहीं ले जा पाएगा पूरा। बट मैंने भी इसकी पोजीशन पूरी देख ली होती है और ये फौरन कवर पकड़ लेता है। ये जैसी कवर में जाता है, अब मेरा कैमरा व्यू से आप देखिएगा इसने नेट इसको कर दिया होता है और ये एक और नेट की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि अब अगले नेट से पहले ही मैं इसको ले जाऊंगा। और ये भाई साहब को मैंने देख लिया, मैं चाहता तो इसको हेडशॉट दे सकता था बट मैंने इसके रुकने का वेट किया। मैं उसकी वजह बताता हूँ, जब आपके पास स्नाइपर होती है तो आपको बहुत कंट्रोल करना होता है अपने आप को। उसकी वजह ये होती है कि जब आप सामने वाले को बिल्कुल रुक के उसके हेड पे शॉट मारेंगे तो वो 100% नॉक होगा। अमूमन लोग करते क्या है कि बंदे की मूवमेंट में ही उसको फायर दे देते हैं और उससे वो बंदा चुकन्ना हो जाता है कि यार इस तरफ बंदा है, और वो अपने आप को कवर में ले लेते हैं। मेरी कोशिश मैक्सिमम यही होती है कि भाई आप उसमें जब तक वो बंदे को इत्मीनान ना हो जाए ना कि यहाँ इस तरफ तो कोई नहीं है, वो ईजी होकर खड़ा ना हो जाए और तब तक उसका हेड शॉट ना दें। यहाँ पर ये भाई साहब सांप बने हुए थे और इन्होंने मेरे भाई को मारने की भरपूर कोशिश की, खैर ये भी यहाँ से वापसी चले गए। बड़ी हसरत के साथ ये यहाँ तक आए और इन्होंने सोचा होगा कि चिकन डिनर तो पक्का हो गया, बट इतना आसान नहीं होता भाई चिकन डिनर, क्योंकि आपने इस गेम के अंदर खेलने के लिए कुछ चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं, वो होती हैं टिप एंड ट्रिक्स। अगर आप वो यूटिलाइज करते रहेंगे तो इतना आसान नहीं होता, आप किसी को भी टफ टाइम दे सकते हैं। और यहाँ मेरे बड़ी को इसने नॉक कर दिया और बेवकूफ़ ने अपनी पोजिशन मुझे दे दी थी बगैर कवर के लेटा हुआ था, और यहाँ पर हमारा चिकन डिनर हो गया। तो गाइज अनाउंसमेंट वो सुन लें जो टिकटॉकर्स के लिए थी कि अगर वो आपको टिकटॉक चलाना है और आपको ऐसा लगता है कि टिकटॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने आप टिकटॉक को अनइंस्टॉल करें और फिर उसके बाद इंस्टॉल करें, और उसके बाद जो आपकी आईडी का पासवर्ड है वो पासवर्ड नहीं डालें। मैं आपको एक पासवर्ड बता रहा हूँ, वो पासवर्ड आप नोट कर लें पेपर पे, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है, उसको नोट कर लें और वो पासवर्ड अप्लाई करें। पासवर्ड कुछ यूँ है, ची चा चू
ये पासवर्ड नोट कर लीजिएगा, इस पासवर्ड को उस पर डालिएगा, यकीनन आपका टिकटॉक चल जाएगा। और अगर इसके बाद भी टिकटॉक ना चले तो भाई छोड़ देना टिकटॉक, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। क्यों खुसरो के हक पे डाका मार रहे हो? जो खुसरो का काम था वो उनकी रोजी रोटी छीन के आप टिकटॉक पे लग गए हो। खैर गाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी लास्ट तक, और मैं चाहूंगा कि आगे भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।